अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम आज जरा मुश्किल हो गई आपके लिए, तो दो दो क्लास हो गई ना। मैम, शुक्र अलहमदुलिल्लाह मैम। कोई और तो नहीं मिली थी ना? कैसी हैं हुमा कोई और महानूर आप भी? दो अभी तीन लोग नहीं आ जाए ना। एक ने तो कहा कि उन्हें रिकॉर्डिंग चाहिए सना को, और दो लोग और नहीं आए। इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नहीं मैं तो काफी देर से वेट ही कर रही थी कि कब लिंक आएगा और मैं क्लास ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल, वो थोड़ा सा मैं आउट थी, वो आई हूँ तो जल्दी से। फिर मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दे, पहुंच तो मैं गई, मैंने कहा 10-15 मिनट लेट दे देती हूँ, ये ना मैं लेट हो जाऊँ ना। नहीं, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैं फिर बाकी जो नहीं है तो उनको, ये उनके लिए आज एक ने रिक्वेस्ट की है, उनका घर में फंक्शन है तो रिकॉर्डिंग की है। एक आ तो गए, चले ये आ गए, ये आ गए। कैसे हैं नूर मोहम्मद? अस्सलाम वालेकुम। चलें बाकी भी आ जाते हैं ना। तो अभी आज का जो हमारा, एक तो पहले हम रूटीन यही है कि हम पहले मेडिटेशन करते हैं ताकि हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो आज की जो मेडिटेशन है, वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ हैं आप आज? आप बिजी नहीं तो नहीं थे? नहीं मैम, मैं यहीं पे था तो टाइम मिल गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, वो बल्कि आज ये भी कहना कि एक टाइमिंग का थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 5 से जो है ना नो कर लें, 7 से 8 के बजाय। तो आप सबका क्या ख्याल है? स्मीना भी आ गई, कैसी है स्मीना? अब दो, एक स्टूडेंट रह गया है। तो आपस में फिर आप लास्ट में बता दीजिएगा ग्रुप में कि 8 से 9 ठीक है, या फिर इससे भी हम 9 से 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन दो को जो है ना वो 7 बजे वाला टाइम 7 से 8 सूट नहीं करता, कि उस वक्त बच्चों के खाने और इस तरह से डिनर का टाइम होता है। तो फिर आपस में हम इसको डिस्कस कर लें, तो जो भी डिसाइड करते हैं। और दूसरा ये भी है कि डेज में भी अगर वीक वीक डेज पे कर सकें वो भी देख लें, या यही डेज ठीक है, तो आप सारे इस पे फैसला कर लें। तो फिर हम जो है ना उसी भी उसी तरह क्लास लिया करेंगे। तो आज फिर सबसे पहले अगेन थोड़ा, एक मेरे ख्याल से एक ने तो रिकॉर्डिंग का बोला और एक रह गए, कौन उनका क्या नाम था? एक सना है, एक एक और है मेरे ख्याल से, या पूरे हो गए आपके जो आरपीसी से? पूरे हैं, आरपीसी वाला एक बंदा रहता है, मानूर भी है, नूर और एक एक रहती है। चलें फिर हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। सबसे पहले आप लोगों ने पहले ही मुझे बताया हुआ कि मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के लिए जैसा पहले बताया हुआ कि पानी का ग्लास पहले पी लें, एक ग्लास साथ रख लें। अगर आप अकेले नहीं हैं तो अपने एयरबड्स या एयरफोन अपने साथ रख लें ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। और मेरी, मैं अपनी जो है वीडियो बंद कर दूंगी, मेरी आवाज़ आती रहेगी। जो पहले जिन्होंने एंटर किए, दो आज स्टूडेंट ने, स्टार्ट करते हैं फिर। और साथ म्यूजिक है, आप लोगों को अगर म्यूजिक डिस्टर्ब करेगा तो फिर ये टेलीपैथी का म्यूजिक होगा। वो तो हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है उस पर ये होता है कि हमारी ब्रेन वेव्स थोड़ी कम होती हैं, तो म्यूजिक भी हेल्प करता है हमारी सोचों को रोकने में और हमें अल्फा में लेके जाने में। तो इसलिए बेहतर है कि हम साथ म्यूजिक भी थोड़ा सा साथ रखते हैं। चलें जो पोजीशन भी आपको सूट करती है, बैठना है, लेटना, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, और आपने जो फिंगर्स हैं वो ऐसी क्लच करनी है, आईज बंद करनी है इसमें, इसके पीछे, और अपनी टांगों को भी क्रॉस कर देना। इसके पीछे ये है कि हमारी जो एनर्जी डिप्लीट होती है वो हमारी आंखों से होती है 80%, और 10% हमारे जो है ना हाथों से, और 10% पाँव से। तो इसलिए हम ऐसे क्लच कर लेते हैं, पाँव को भी क्रॉस कर लेते हैं और आंखें भी बंद कर लेते हैं, ताकि पूरी एनर्जी अंदर की तरफ जाए, जो जिस जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये पोजीशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को अब प्रिपेयर करें, पानी शानी पी लें, और फिर हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन।
आज की जो गाइडेड मेडिटेशन है उसका नाम है एक्सपेंड सेंसरी एक्यूटी। इसमें पांच सेंसेस को, जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, उनको, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना है। समझने, सूंघने, चखने की सब की जो हमारी है उनको तेज करना है। तो इसको आप, ये एक मेटाफोर होगा, इसको मेरी आवाज के साथ साथ आप इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे और फोकस रखेंगे, इमेजिन करते जाएंगे जो मैं बोलती जाऊंगी। तो हाउस ऑफ फाइव सेंसेस, ये रिचर्ड बैंडलर की एक टेक्निक है, ये एक मेटाफोर है, ये एक सितारा है, ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इसमें आपने अपने आप को तसव्वुर करना है कि आप एक चींटी की तरह हैं और अपने लेफ्ट पाँव के अंगूठे के नाखून के दरमियान के गोश से अंदर दाखिल हो रहे हैं और अपने आप को जो न्यूरल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको देख रहे हैं और वहाँ से ट्रेवल करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता और अपने ऊपर दिमाग की तरफ पहुँचते हैं, यानी हाउस ऑफ फाइव सेंसेस में। वहाँ फाइव सेंसेस देखना, सूंघना, चखना और टच करना है। ये कमरा है, इसमें हम अपनी फाइव सेंसेस को तेज करना चाहते हैं और हर कमरे में लेबल लगा हुआ है कि इस कमरे में ये है और इस कमरे में ये है। हमने आइडिया ये देना है, इसको तेज करना है। सेंसरी एक्टिव को हमने सबसे पहले, एक कमरा होगा, वो छठा कमरा होगा, उसमें सब सफाई का सामान होगा, जिस तरह झाड़ू, डस्टर, वैक्यूम क्लीनर, और ये सब मेटाफोर है। और फिर सफाई के बाद वापस राइट साइड ऑफ बॉडी की तरफ से, लेफ्ट राइट फुट के नेल से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं है तो आप अभी पूछ सकते हैं। तरकीब, आंखें बंद करें, नाक के जरिए गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांस को बाहर निकालते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आप सोच रहे हैं तो है, क्योंकि आपका माइंड जिस्म पर असरअंदाज होता है और फिर जिस्म माइंड पर और माइंड जिस्म पर असरअंदाज होता है। इस तरह तसव्वुर करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं, जिस तरह एक चींटी होती है और उससे भी कम हो सकता है। किसी को भी तसव्वुर करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो जस्ट फील कर सकते हैं। अगर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता तो वो फील कर सकता है, महसूस करें। ये एक मेटाफोर है, ये एक कहानी के तौर पर है, ये एक तसव्वुराती कहानी है। और आप अपने जाएं लेफ्ट पाँव के अंगूठे पर तवज्जो लेकर जाइए और नाखून और गोश्त के दरमियान से आप अंदर दाखिल हो जाएं और आप अपने उस नर्वस सिस्टम को देखना शुरू कर दें। और नर्वस सिस्टम को देखते हुए किसी तरह अंगूठे के अंदर भी कितनी बारीक बारीक नर्व, छोटे छोटे आसाब, खून, खून की नालियां होती हैं, और दौराने खून को चलता देखना। और आप दौराने खून को चलता हुआ देख रहे हैं और आप फिर पाँव से होते हुए एड़ी में और एड़ी से ऊपर जब जाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को भी देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएं। और इस तरह सोचें, तसव्वुर करें, आप पिंडाली में, टांग में आ गए हैं। तसव्वुर करें और पिंडाली में बहुत गोश्त और हड्डी देख रहे हैं और फिर आप घुटने के जोड़ में आ जाते हैं और इसका मुशाहिदा करते हैं।
कि किस तरह जोड़ चलता है और फिर अपनी रान में दाखिल हो जाएं। इसके अंदर बहुत असाब काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी हड्डी जिसके साथ आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं और बहुत सारे असाब नर्व्स को आप देख रहे हैं और फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को देख रहे हैं। और आप ऊपर की तरफ पहुंचते जाते हैं और उसके साथ साथ आप ऊपर जा रहे हैं और जो जो आप ऊपर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएं तो अपने मैदा गुर्दे फेफड़े और दिल वगैरह को काम करते हुए देख रहे हैं। ऐसे एक सरसरी नज़र देख रहे हैं और आप मसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर कंधों से गुजर कर गर्दन में दाखिल हो चुके हैं और मसलसल कदम आपके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आप दिमाग में दाखिल हो चुके हैं और आप अपने उस भेजा जिसको भेजा कहते हैं दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हुए उस तक पहुंच गए हैं, उस दिमाग को देख रहे हैं और ये वो कीमती हथियार है जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डालना है। और अगर आप चंद कदम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप ऐसे तसव्वुर कर लें कि आपके सामने सीढ़ियां नजर आ रही हैं और आप बड़े इत्मीनान से सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और आपके सामने एक दरवाजा है जिस पर लिखा हुआ है हाउस ऑफ फाइव सेंसेस, हिस्सियात का घर। उस पर एक दरवाजा लगा है और जाएं बाएं जानिब इसकी एक सुनहरी चाबी लटकी हुई है जो इस दरवाजे को खोलने के लिए है। आप चाबी उतारते हैं और इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाएं और ये पहला कमरा आ गया है। इसमें अपनी सेंसेस को अपनी हिस्सियात को तेज करने के लिए साफ शफाफ करने के लिए सामान पड़ा हुआ है। इसमें वॉशिंग पाउडर भी है, वैक्यूम क्लीनर भी है, वाइपर है, डस्टर है और जो कुछ भी इमेजिन आप कर सकते हैं वॉशिंग के लिए सफाई का जो सामान जो आप अपनी इन हिस्सियात को तेज़ करने के लिए साफ और शफाफ बनाएंगे। और अब आप एक कमरे के ऊपर लिखा हुआ है देखना सी। अब आप इस दरवाजे को खोलें खोलकर अंदर दाखिल होते हुए जरा चारों तरफ दीवारों पर देखिएगा, हर तरफ गिर्दोगुबार नजर आता है। खिड़कियां पर्दे फर्नीचर सब कुछ गर्द से अटा पड़ा हुआ है। अब आप इनको साफ करना शुरू कर देते हैं, खिड़की के शीशों को भी अच्छी तरह से साफ करना शुरू करें। आप जो जो सफाई करते हैं तो आपको ये कमरा पहले से रोशन लगता है, हर चीज पहले से बेहतर तरतीबवार और खूबसूरत नजर आ रही है। सब तो आपने कर दिया, अब जरा इस कमरे की खिड़की को खोलिए, ताजा हवा अंदर आ सके, ताकि ताजा हवा अंदर आ सके। आप बाहर जाकर देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, हर चीज जो बैरूनी है साफ शफाफ खूबसूरत नजर आ रही है, हर चीज इस खिड़की से नजर आ रही है। जहां तक आपकी हद निगाह है बिल्कुल वहां तक वाजिया आप देख रहे हैं। आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं, अगले दरवाजे पर लिखा है हेयर सुनना। अब आप इस कमरे में दाखिल हो जाएं, उसी तरह इसकी भी सफाई करना शुरू कर दें, इसकी दीवारें इसके पर्दे खिड़कियां और फिर इसकी खिड़की भी खोल दें। और जब आप खिड़की खोलते हैं तो बाहर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो आपको बहुत भली लगती हैं, इसके साथ ही तेज़ हवाओं के झोंके भी आते हैं
और आप दरख्तों के पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ें वाजिया सुन रहे हैं। फिर अचानक बादल आ जाते हैं, बादल के गरजने की आवाज़ें सुन रहे हैं और आप इस आवाज़ को भी सुन रहे हैं। अब आपके कान हर किस्म की आवाज़ को पहले से बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। अपनी तवज्जो अपने अंदर की तरफ मरकूज करें, दिल की धड़कन की आवाज़ को सुनिए, अपनी सांस की आवाज़ को सुनिए और इस तरह महसूस करें। अब आप अंदरूनी और बाहरूनी आवाज़ों को साफ साफ सुन सकते हैं और हर सारा काम इन सुनने की हिस्सियात को साफ करने के बाद ही भला हुआ है। और हाँ, ये सारा काम आपने सुनने की जो हिस है, सेंस है, उसको जब साफ किया है उसके बाद ही तेज हुआ है। अगला दरवाज़ा आ गया है, इस कमरे से बाहर जाएं और अगला दरवाज़ा छूने, टच यानी महसूस करने की हिस का है। और हस्बे मामूल आप जो ही इस कमरे में दाखिल होते हैं तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। उसी तरह आप इस गर्दो गुबार को साफ करते हैं, फर्नीचर, दीवारें, पर्दे, तो फिर आप सफाई के बाद फर्नीचर पर हाथ फेरते हैं तो आपको बहुत मुलायम महसूस होता है क्योंकि गर्दो गुबार ख़त्म हो चुका है। इस कमरे की खिड़कियां भी खोल दें, जब आप खिड़कियां खोलते हैं तो शीशे पर हाथ फेरते हैं तो इसकी मुलायमियत को महसूस करते हैं। कमरे की दीवारों पर हाथ फेरते हैं तो वो आपको बिल्कुल मुलायम महसूस होती हैं और बाहर से ठंडी हवा दाखिल होती है, हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे हैं और इस तरह आपके महसूस करने की हिस पहले से बेहतर होती है और बहुत बेहतर हो गई है क्योंकि आपने इसको साफ और शफाफ कर दिया है। इस तरह आपके महसूस करने की हिस पहले से बेहतर हो गई है क्योंकि आपने इसको साफ और शफाफ कर दिया है। अगला दरवाज़ा चखने की हिस का है। चखने का ये कमरा मीठे, कड़वे, नमकीन जायकों से भरा हुआ है। ये सारे जायके आपस में मिक्स हो चुके हैं। इस कमरे की सफाई शुरू कर दें, पहले इन तमाम जायकों को अलग-अलग अलग-अलग कर दें और फिर इस कमरे को भी अच्छी तरह साफ कर दें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दूसरी सेंसेस हिस्सियात को आपने किया था। और सफाई मुकम्मल करने के बाद इस कमरे की भी खिड़की खोल दें। जो ही आप खिड़की खोलते हैं आपके सामने आपके पसंद का दरख्त है, केले, माल्टा, आम, संतरा, कोई भी दरख्त हो सकता है और इस पर फल लगा हुआ है। इस फल तक आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता है। आप इस फल को तोड़ें, मुंह में डालें और इस फल के जायके को महसूस करें। फलक से उतरता हुआ और अपने आप को ये पैगाम दे, अब चखने की हिस पहले से बेहतर हो गई है और फिर इस कमरे से भी बाहर आ जाएं। अगला दरवाज़ा सूंघने का है, सेंस ऑफ स्मेल, और हस्बे मामूल इस कमरे में दाखिल हो जाएं और ये भी गर्दो गुबार से अटा हुआ है और इसके अंदर बदबू है जैसे गली सड़ी चीज़ें हों और कुछ पुराने और बोसीदा बर्तन जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो बदबू पैदा कर रही हैं। जो ही आप पहले बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो इसमें सख्त बदबू आती है। अब आप बारी बारी इन बर्तनों को साफ कर दें और जो कुछ इसमें है बहा दें और पानी से धोएं, इस कदर धोएं कि ये बदबू ख़त्म हो जाए और फिर इनको अपनी जगह पर वापस रख दें। अब आपने अपने सूंघने वाली हिस को साफ और शफाफ कर दिया है। इस कमरे की भी खिड़कियां खोल दें और जो ही आप खिड़की खोलते हैं बाहर बारिश होने की जो खुशबू ज़मीन पर पड़ती है तो एक खास खुशबू होती है और इसके साथ ठंडी हवा और इसमें खुशबू से पुरलुत्फ अंदोज हो रहे हैं आप और अपने नाक के ज़रिए खुशबू को अंदर दाखिल होते हुए महसूस कर रहे हैं।
इस तरह आप सूंघने की हिस सेंस ऑफ स्मेल को साफ और शफाफ बना चुके हैं, और फिर आप इस कमरे से भी बाहर निकलते हैं, और फिर आप पांचों कमरों के बाहर बालकोनी पर आ जाते हैं और इन पांच कमरों को देख रहे हैं जिनको आप अभी अभी साफ कर कर बाहर निकले हैं। और ये वही सेंसेस हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को कोई काम करने के लिए कुव्वत मुहैया करती हैं, और आप बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपनी अपनी सेंसेस यानी देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूना, महसूस करना, इनको मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ कर दिया है। और अब मैं इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूँ। और फिर उसी तरह वापस आते हैं अपने ब्रेन को देखते हुए, और वापस नीचे की जानिब सफर कर रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए, कंधों से फिर रीढ़ की हड्डी, और फिर रान यानी उसी के उलट पहले किया था जो हमने लेफ्ट साइड के पाँव और लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की तरफ से हम ऊपर गए थे, और अब हम राइट साइड से वापस आ रहे हैं। और फिर और उसमें से नीचे आते हुए आप अपने अंगूठे तक पहुंच गए हैं, और निकलते हुए आप अपने आप को एक नए अंदाज में महसूस कर रहे हैं कि आप किस तरह आपने अभी अभी अपनी परसेप्शंस को, अपनी हिस्सियात को, अपनी फाइव सेंसेस को तेज और करार कर दिया है। और ये सेंसेस आपके नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करने की बुनियाद है, और आज से आपकी फाइव सेंसेस पहले से बहुत बेहतर अंदाज में काम करेंगी। ये मैसेज आपके सब कॉन्शियस में रजिस्टर हो चुका है, और अब आप वापस राइट साइड के पांव से बाहर आए हैं, और आहिस्ता से एक से लेके तीन तक काउंट करके अपनी आंखों को खोलेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। और अगर कोई अपने आप को थोड़ी देर इस कंडीशन में, रिलैक्सेशन में रखना चाहता है तो वो रखे, और आहिस्ता से फिर अपनी आंखें खोल दें। और पानी का एक गिलास पी लें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आज की मेटाफोरिक गाइडेड मेडिटेशन कैसी लगी, अपनी सेंसेस को तेज करने वाली। और फिर आप मैसेज टाइप करें ताकि मुझे लगे कि आप लोग वापस अवेयरनेस स्टेट में हैं। और कैसा लगा टाइप करें, तो फिर हम आगे क्लास को जो बाकी पोर्शन है हम वो आज पढ़ते हैं। जी मैसेज करें सारे, मैं वेट कर रही हूँ। महानूर माशाल्लाह, गुड। उमा, उन्होंने कहा गुड, ग्रेट, वंडरफुल। बाकियों को कैसे लगा आप मैसेज टाइप करके बताएं। नताशा, गुड, ग्रेट, कह रही है काफ़ी पुरसकून। इंशाल्लाह ये आपके जो सीडिंग हो चुकी है, आपकी फाइव सेंसेस पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहीगी, और बहुत अच्छा इनसे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यही प्रोग्राम करने के लिए हम इन फाइव सेंसेस से ही इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, और फिर हमारा माइंड जो है ना प्रोग्राम होता है। तो हम इन फाइव सेंसेस को ही, इन पे हम ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट करते हैं। इस फाइव सेंसेस के बेस पे ही हम सारे फैसले करते हैं, और इन्हीं फाइव सेंसेस को हम जब तेज करेंगे तो हमारे अंदर जो डिलीट, डिस्टॉर्शन, जर्नलाइजेशन है उनका भी कम से कम हमारा जो अफेक्ट होता है वो कम होगा। वैसे तो उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा ताकि हमारा जो सोच का तसब है उससे बचे। ये हमारे पिछले लेक्चर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें यह है कि
हमने जो पीछे पढ़ा था तो उसके साथ ही जो आज की क्लास है उसमें ये कंटिन्यूशन है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमने अनकॉन्शियसनेस का भी पढ़ा और यही थोड़ा सा हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि ये जो हमारे हम कॉन्शियस लेवल पर एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हमारे आइडियाज़ के साथ, जो हमने पीछे जो हमारे कल्चर्स में हमारे जैसे रस्म और रिवाज हैं वो हमारे ये हमारे कॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वही हमारी स्लाइड चल रही हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे चल रहे हैं। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन तो कर दिया था लेकिन कुछ स्लाइड थी कि इन चीज़ों को दोबारा से हम जो है ना इसको गो थ्रू कर लें कि हम अनकॉन्शियस लेवल पर भी जुड़े हुए हैं और कॉन्शियस लेवल पर भी। ये भी मैंने पहले हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर दिया है, इसको इसके साथ बाकी जो चीज़ें रहती हैं तो वो उनको हम डिटेल में कर रहे हैं। जो आर्किटाइप्स हमें जो हमारे कॉन्शियस लेवल के और अनकॉन्शियस में जो शेडो आएगा उसके बारे में पढ़ना है, एनिमा और एनिमस, तो ये सारा हम आगे चल के, ये एक क्वेश्चनेयर है कि हमारा ये पहले आ चुकी है शेडो, हमने पढ़ना है कि हमारा जो ब्लाइंड एरिया जो हमारा शेडो है तो उसको हमने कैसे कैसे करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि हम मेरे अंदर ये किस लेवल पे शेडो काम कर रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चनेयर है तो ये मैं भेज दूंगी। ये जो क्वेश्चन है उनको जब हम खुद से लिखेंगे तो हमारे अंदर से जो आंसर मिलेगा उससे जो है ना हमारा शेडो जो है ना वो ठीक होगा। ये वर्कशीट्स वगैरह हैं कि हम किस तरह से शेडो को कम कर सकते हैं, हम फोकस रहेंगे, हम जो स्ट्रेंथ करेंगे एक्सप्लोरेशन को कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे या कर रही हूँ उसके पीछे रीजंस क्या हैं, मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी बात करने के पीछे कोई ना कोई तो मोटिव होगा, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसमें ये एक्सरसाइज है ये भी मैं भेज दूंगी, इसके अंदर जो चीज़ें वो प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा जो शेडो साइड है हमारी पर्सनैलिटी का वो खत्म हो। जब तक हमारा शेडो साइड खत्म नहीं होता उस वक्त तक हम चीजें सीख भी लेंगे तो वही चीज है कि हमने एक हथियार पकड़ लिया और हमें पता ही नहीं है वो अपने पर भी वार कर सकते हैं और दूसरों के ऊपर भी। तो इसलिए ये शेडो को खत्म करना भी जरूरी है, ये भी मैं आप लोग को भेजूंगी। तो ये सारा आप लोगों ने अपने ऊपर काम करना है, ये होमवर्क है। तो जितना जो बंदा अपने पर काम करेगा उसके अंदर से ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो बाकी जो प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल थोड़ा सा है, वो आपने फ़ौरन से सीख लेना है, कर लेना है, वो तो प्रैक्टिस के साथ है। उसके साइन भी पता चल जाएंगे, प्रोसीजर भी पता चल जाएगा, असल चीज़ें ये हैं कि हम अपने ऊपर पहले काम कर लें। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इतने लेवल तक हमने प्रैक्टिस कर ली है जो हम राकबे कर लें, मेडिटेशन कर लें, तो अगर हमें ये नहीं पता कि ह्यूमन लिमिटेशंस क्या हैं, ह्यूमन के ब्लाइंड एरियाज क्या हैं, तो मुझे जब किसी रिलेशनशिप में सपोज अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं तो वो कोई मूवी देखते हैं उनके हस्बैंड, तो उनके पास उनके साथ नेचर सी बात है कि वो उनकी जो इमोशनल अरोजल होंगे या उनकी जो थॉट्स आएंगी तो साथ बैठा जो पार्टनर होगा वो मेल है या फीमेल है जो भी हो सकता है, तो वो जब उस वो सारी की सारी उनके माइंड की थॉट्स उनको सारी परसीव होंगी और पता चल जाएगा कि वो ये सोच रहे हैं इस वक्त, तो क्या होगा, वो उनके रिलेशन में कितने प्रॉब्लम आएंगे। वो अगर उनको ये चीज़ पता होगी कि हर इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी न्यूरोटिक नीड्स भी हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं और जो लिमिटेशंस है इंसान की स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी हैं, तो वो जब हमें पता होंगी तो हम दूसरे इंसान को एज अ ह्यूमन लेंगे और उसमें अगर चीज़ें पता भी चलेंगी तो हम अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करेंगे बल्कि बेहतर तरीके से हम इसको लेके चलेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका इस वक्त कौन सा इमोशन चल रहा है और कौन सी चीज़ जो है मैंने उनकी मेंटल कम्युनिकेशन से ले लिया। तो ये अगेन वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ ही चल रहा है। रिलीजन्स भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिलीजन और हमारे अपने इलाके में भी मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं वो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ही एग्जाम्पल है। इनको इतना डिटेल में स्लाइड मैंने भेज दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर टाइम हम नहीं लगाएंगे। ये इमोशनल अगेन ये भी वही चीज़ें हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ की हैं। इसमें से हमने चलें थोड़ा बहुत जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर कॉल रॉजर जो हमारे ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने पर्सनैलिटी का भी जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दिया, ये टाइप है। तो टाइप एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं कि ये नहीं चेंज होती। इसके साथ उन्होंने 16 ट्रेड दिए हैं। ट्रेड जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। टाइप में कुछ लोग होते हैं वो
इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने उनको एनर्जी अपने अंदर से मिलती है, एक्सट्रोवर्ट जो है उन्हें एनर्जी बाहर से मिलती है। जब वो लोगों से कनेक्ट करते हैं तो उनको एनर्जी बाहर से मिलती है। इनके साथ इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन सिंपल थोड़ा सा समझने के लिए आपको मैं क्लियर कर रही हूँ कि जो मैंने इस टॉपिक में डाली हैं तो वो ये हैं। और उसके बाद ट्रेड जो हैं, ट्रेड में डिफरेंट आती हैं, वो तो चेंज हो सकती है, वो इंसान सीखता है, और वो जो उसमें ट्रेड में स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, तो वो हम सीख भी सकते हैं और चेंज भी होते हैं। ये जो टाइप हैं, टाइप नहीं चेंज होती। तो जब ये चीज़ें हमें पता होंगी कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई हमारा पार्टनर है, कुलीग्स है, कोई किसी भी स्टूडेंट है, टीचर है, या हमारा बच्चा है, तो हमें जब उसकी टाइप भी पता हो तो हम उस पर फोर्स नहीं करेंगे, बल्कि उसकी टाइप के मुताबिक उसको नर्चर करेंगे अगर बच्चा है तो। अगर रिलेशनशिप में है तो उसको टाइप के मुताबिक हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं जैसे मेरे मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं अगर इंट्रोवर्ट हूं तो मैं अपने पार्टनर को देखूंगी कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट को सीखेंगे। ट्रेड को हम सीख सकते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में हमने एडजस्टमेंट सीखनी है। उसके साथ जो दूसरा हमने हाँ इसमें अनकॉन्शियस का हमने पढ़ लिया, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हमने पढ़ लिया। अब इसका जो है कॉल रजल का रिलीजियस के बारे में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोर्स की, काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो इनका भी जो उनका जो रिलीजन था वो पैस्टर थे, क्रिश्चियन बैकग्राउंड था। अब अगेन इनको हमने फिर ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा जो ज़्यादा चीज़ है इनका ड्रीम, हाँ जो हमने इन साइंटिस्ट की जो ज़्यादा थ्योरी हमने अडॉप्ट करनी है जो कि हमारे मेंटल कम्युनिकेशन टेलीपैथी में काम आएगी, वो ड्रीम टेलीपैथी में आएगी। तो इन्होंने जो ड्रीम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन हम यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ड्रीम के ऊपर एक पूरा अलग से जो है ड्रीम एनालिसिस पे पूरा कोर्स है। तो इसलिए ड्रीम जो एनालिसिस की बुक है उनके नाम वगैरह मैं आपको बता दूंगी, और जिस किसी को ड्रीम्स के ऊपर भी काम करना होगा तो वो अपने जिसको इंटरेस्ट होगा, यहाँ मैं थोड़ा बहुत टच दूंगी कि ड्रीम जो किस टाइप के हैं और ड्रीम की क्या वो हैं, वो आगे कोर्स में आएंगी। तो इनकी ये ड्रीम एनालिसिस की बुक है, ये PDF में भी मिल सकता होगा, कहीं से डाउनलोड भी फ्री में भी हो सकती होंगी, और मेरे पास तो नहीं है, शायद कुछ पढ़ी हूँ, अगर हुई तो मैं ये आप लोगों को दे दूंगी जो जो मेरे पास बुक्स पढ़ी होंगी PDF में। अब इन्होंने ये कहा कि जो ख्वाब होते हैं, ख्वाबों की टाइप्स होती हैं, ख्वाबों की जो रूहानी उनके मीनिंग्स भी होते हैं, साइंटिफिक मीनिंग भी होते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग भी होते हैं। तो अब इन हर एक चीज़ का अगर साइकोलॉजिकल मीनिंग देखते हैं तो उसमें भी जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने भी ख्वाबों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो जोर दिया। वो कहते हैं कि ख्वाब जो है इंसान के रॉयल रोड है, जो दिन के टाइम पे हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से बयान नहीं कर सकते या हमें हर्ट करती हैं, तो जब इंसान सोता है तो वो एक एक अच्छा वे है कि यहाँ पे वो सोते हुए जो है ना वो हमारे सबकॉन्शियस में वो निकल जाती हैं। जब हमारा कॉन्शियस रात को जब हम सोते हैं तो हमारी दिन की सारी फाइलें वो ट्रांसफ़र करता है सब कॉन्शियस को, तो उसमें जो ऐसी यूजलेस चीज़ें जो हमें हर्ट की होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो ख्वाब में निकल जाती हैं। और दूसरा ऐसी चीज़ें जो हमारी विशेज़ होती हैं, जो हमारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो हम नहीं पूरे कर सकते, तो वो सम टाइम ख्वाबों की सूरत में पूरी हो जाती है, और हम वो ऐसा ख्वाब देख रहे होते हैं कि ख्वाब में वो फुलफिल होती हैं। तो इस तरह से ख्वाबों की बहुत सारी टाइप्स हैं, और वो एक अलग से काफ़ी लंबी पूरा एक कोर्स बनता है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ही टच लेंगे, क्योंकि इसमें रूहानी जो अलहमी ख्वाब भी आते हैं, तो जो हमारे ख्वाब सही भी सच्चे भी साबित होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो ख्वाब हैं। तो एक तो यहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव से होगा उसमें ये है कि जब जो ख्वाब होते हैं, अगर हम खुद को अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दें कि मुझे कोई चीज़ अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं ये कहूँ कि इसका मुझे ख्वाब में समझ आए, तो उसमें आगे से ये भी आएगा कि उसमें नंबर्स होते हैं, अगर मैं कोई नंबर सेलेक्ट कर लूँगी कि मुझे ये काम करना है तो मुझे किसी नंबर की सूरत में, क्योंकि हमारी कायनात जो का इलम है वो नंबर्स की न्यूमेरिकल सूरत में होता है, तो वो जो हम नंबर्स हैं वो आगे जाके जब वो नंबर की वो स्लाइड आएंगी तो उसमें भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो किस तरह से होता है, और नंबर्स का भी एक नॉलेज है पूरा। तो दूसरा अगर हमने कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं लिख के रात को तकिए के नीचे रख सकती हूँ, तो वो हमारा वो ये होता है कि रात को हमारा जो सबकॉन्शियस है वो एक्टिव होता है,
क्रिटिकल हमारा माइंड जो होता है वो काम को नहीं होने देता, हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं जाने देता। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ हमने जो हमने करनी है या हमें चाहिए, तो वो हमने तकिए के नीचे, जो इसको पिलो टेक्निक भी कहते हैं, वो लिख के रखते हैं, और उसमें वो हमारे जितने टाइम तक लिखे रखेंगे तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। जो हमें हमारी विश होगी या हमारा कोई काम होगा तो वो हम उस तकिए के नीचे रखते हैं, इसको पिलो टेक्निक कहते हैं। ये बीच में मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि आप कर सकते हैं ये भी। अच्छा, ये वही, ये स्लाइड ज़्यादा, ये हम पहले बता चुके हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के ऊपर हमने बात कर ली हुई है। जो सिगमंड फ्राइड है उससे ये अलग है, कलेक्टिव कॉन्शियस। ये आ गया पर्सोना। चलिए, आप में से कोई पढ़े पर्सोना के बारे में? हमने थोड़ा पीछे पढ़ भी लिया था, लेकिन फिर भी ये ऐसा है कि मुझे लग रहा कि इंटरेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ। तो आप में से नहीं मैम, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अब परसोना दोबारा से पढ़े ना, कोई पढ़े ना, ताकि थोड़ा सा मुझे इंटरेक्टिव भी लगे। हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा अच्छे से चलते ना, ताकि आप लोगों की तरफ से भी आए परसोना। मैंने बयान पहले हमने इस पे फिर भी कर लिया, कोई पढ़ ले आप में से, कौन पढ़ेगा मैम? खूबसूरत आवाज भी तो सुनो ना, कर लेंगे भी आए मुझे जी मैम। A character assumed by an author in a written work. A plural personas. An individual social facade or front that especially in the analytic psychology of Carl Gustav Jung reflects the role in life the individual is playing. Compare anima. अब जो कल मैंने पहले भी बताया था कि ये persona का जो लफ्ज़ है लेटियन वर्ड से है, और इसको सोशल जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसके हमारे वो जो रोल होता है उसको पर्सोना कहते हैं, और ये हमारा मतलब जो कॉन्शियस पर्सनालिटी है उसका हिस्सा है। कॉन्शियस पर्सनालिटी का हमने देखा था पर्सोना है और ईगो है, बाकी जो एनिमा एनिमस जो है वो हमारा जो है वो अनकॉन्शियस पर्सनालिटी का हिस्सा है। ये मैंने थोड़ा उर्दू में भी किया था वो, ताकि उर्दू में भी थोड़ा सा समझ आ जाए। अब शेडो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा इस पे बताना भी मुझे अच्छा लगता है कि शेडो है क्या। इसको पढ़ लें तो फिर मैं शेडो को एक्सप्लेन करती हूँ। और हम सब के अंदर ब्लाइंड एरिया हैं, तो इसको वीकनेस नहीं कहते, ब्लाइंड एरिया कहते हैं कि हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसमें हम वीकनेस नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ने बनाई है तो उसमें कमियाँ नहीं छोड़ी, ब्लाइंड एरिया है कि हमने अपने, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हमारा शेडो भी है, परसोना है तो उसके साथ शेडो है, जो हमारी एक चीज़ सामने है तो एक पीछे भी है, तो जो पीछे है वो शेडो है। तो शेडो क्या चीज़ें हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। चलो उर्दू वाला ही कर लूँ या इंग्लिश वाला, ये बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब है उदासी, गुस्सा, सुस्ती और गम, जुल्म जैसी चीज़ें। लेकिन आप इसे गैर मजहब और नाकाबिल कबूल चीज़ों के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसे आपकी ज़ाती ताकत, आपकी आज़ादी या आपकी जज्बाती हसासियत, यकीनन हम में से कुछ को ये एहसास नहीं होता कि हमारा सायादार पहलू है, क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं, खुद आगाही ही नहीं रखते। देखिए, हम जो हमारे अंदर जेलिसी भी है, हमारे अंदर जो है गुस्सा भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम इस चीज़ को, हम ये भी पर्सनल पावर, हम चाहते हैं कि हम लोगों पे कंट्रोल करें, और हम ये भी हम चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें। फिर हमारे जज्बात तौर पर भी हम जो है ना, वो 15 मिनट रह गए अभी हैं, तो है क्या कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब हमने इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ही बंदा अपने ब्लाइंड एरियाज पे काम कर सकेगा। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि हम, हमें हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमें, अगर कोई कहता है, कभी हमें कोई कह दे कि देखो आप तो, आपके अंदर ये चीज़ जेलेसी है या आप पावर हंगर हैं, तो हम फौरन से कितना बुरा मना जाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बुरी बात है, किसी ने मुझे बुरी बात कह दी, मेरे अंदर बुरी बात थोड़ी है। तो ये सब चीज़ें हम सब के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने रखी हैं, ये हमारा शेडो है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अगर पर्सोना है तो शेडो भी है। तो हम जब इसको ब्लाइंड एरिया बोलते हैं, और इसमें भी मुख्तलिफ, ये माशाल्लाह यहाँ पे समीना है, इन्होंने वो किया हुआ है, सिल्वा किया हुआ है और रेकी वगैरह की हुई है, ये इसके बारे में देखते हैं इनको कितना माशाल्लाह, ये शायद ज़्यादा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से गाइडेड मेडिटेशन करके तो शेडो जो है वो उसको रिमूव करते हैं, ब्लाइंड एरिया जो हमारी पर्सनैलिटी का है
तो यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आपको वो एक्सरसाइज दी हैं जो मैं आपको भेजूंगी, और इस पे भी काफ़ी नेट पे भी जो है ना काफ़ी फ्री चीज़ें मिल जाती हैं, एक्सरसाइज मिलती हैं और वर्कशीट्स मिलती हैं, वो आप डाउनलोड करके अपने तौर पे अपनी जो है ना वो पर्सनैलिटी से अपना शेडो ख़त्म कर सकते हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म कर लेंगे तो फिर देखिएगा कि आप एक किस तरह गोल्डन और कुंदन बन के आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, फिर तो ये मेंटल कम्युनिकेशन क्या, फिर आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। जी समीना आप हैं, आप शेडो के बारे में कुछ बताएंगी, थोड़ा बहुत शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए। मैं असल में मैं नमाज पढ़ रही थी, उसके बाद फिर मैं तस्वीर अभी मैंने देखा तो वैसे ही फिर मैंने ये क्लास अटेंड कर ली। ये है कि उसमें तो ये है कि हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैंने रेकी सीखी, सिल्वा सीखा, ये रेकी में तो ये है ना कि हम कुछ भी अल्लाह का जिक्र करके और फिर हम ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह की एनर्जी, वो आसमान से एनर्जी आ रही है जो हमारे दिमाग से होते आती है, फिर हम किसी और को देते हैं। तो उससे हम अपने पहले सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे। जैसे कोई भी आप अच्छा काम सीखते हैं तो पहले अपने आप को चेक करते हैं। अपने आप को चेक करने से मुझे मेरे अंदर बहुत सी खामियां नज़र आई। पहले मैंने दूसरों के लिए नहीं, अपने आप को ठीक करना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं खुद साफ होंगी, मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ होगी, जब भी मैं किसी को अच्छा दूंगी ना, तो इसीलिए मुझ में बहुत सी खराबियां थी। अब अल्लाह का शुक्र है मैंने रेकी सीखने के बाद सुना, मैंने अपने आप को क्या, मैंने अपने अपने हस्बैंड को भी ठीक कर दिया है। मेरे हस्बैंड ने भी माशाल्लाह अपने आप को, वरना ये होता था उसमें यह खामी है, उसमें यह खामी है, ये है। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए जी। तो अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत कुछ जैसे ठीक किया है अपने आप को। जी 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 हमेशा हम पहले हम दूसरों को देखते थे, उसके बाद मैंने अपने आप को ठीक करना शुरू किया पहले जी। और ये जी और जैसा हम सोचते हैं ना, हमारे अंदर से वैसी एनर्जी निकलती है। हम बहुत से लोगों के साथ, आप देखें हमारे घर में भी कोई बंदा आता है ना, तो हम चाहते हैं अल्लाह ये क्यों आ गया। वरना कुछ लोग ऐसे आते हैं हमें उनसे गुफ्तगू करके अच्छा लगता है, कुछ के साथ हमें बैठकर ही बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी सोच है ताकि उसके सोल पे आई हुई है उसके अंदर से। जी जी वो सोच का ही है ना, जैसे सोचते हैं तो हमारे अंदर से वेव्स ही वेव्स निकलती हैं। जी जी
बिल्कुल जी, वही है ना कि कोई चीज़ हमारे घर रखी हुई हमें इस्तेमाल का ही नहीं पता है, तो अगर हमें पहले उसका इस्तेमाल सीखेंगे उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खूबियां रखी हैं। हम अपनी खूबियों को नहीं, हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हमारे पास जो चीज है हम उसे नहीं इस्तेमाल करना सीख रहे। नहीं, इंशाल्लाह 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने आपसे ज्यादा देर जुड़े रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा कुछ मिलेगा। उसके बारे में भी बताएं कि फिर जो टाइम है 8 से 9 कुछ कह रहे हैं और क्या आप बात मैम, मैं मुझे तो इतना शौक है कि जो टाइम दे दोगे मैं उसी टाइम पे हाजिर हो जाऊंगी। मैम अगर 8 से 9 बजे तो, क्योंकि 7 बजे जो है वो यानी मगरिब खत्म हो गया फिर खाने वाने का टाइम होता है, तो अगर बाकी सब एग्री करें तो। बाकी बताएं, मानूर आप बता दें, नूर मोहम्मद आप बताएं। मानूर ने कह दिया कि 8 से 9, ठीक है, ग्रेट वंडरफुल, थैंक यू। नूर मोहम्मद आप भी बताइए, मैसेज कर दें। चलें, 2 लोगों का तो वोट आ गया, हुमा ने भी कह दिया था, तो चलें कल 8 से 9 कर लेते हैं फिर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो बता दें, क्योंकि अभी टाइम का जी। और कोई क्वेश्चन है बताइए या आगे चलें, अभी तो टाइम खत्म होने वाला। उन्होंने कहा, नूर मोहम्मद ने कहा कि यहाँ तक नॉर्मल है। ये परसोना के बारे में ये काफी, ये भी भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और परसोना के बारे में अपने ऊपर थोड़ा और काम करें। ये टाइम मेरे ख्याल से है तो इसको पढ़ लें।
शेडो को कैसे हील करना है या कल पढ़ लेते हैं। टाइम मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैंने अगर स्टार्ट किया तो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम का नोटिफिकेशन। जी जी 4 मिनट रहते हैं, 4 मिनट का बता रहे हैं। ये पढ़ ले आप में से कोई कि इस तरह से हम शेडो को ओवरकम कर सकते हैं जो हमारे अंदर है, शेडो साइड जो है। कौन पढ़ेगा, पढ़े तो कोई पढ़ ले। जी मैम मैं पढ़ रहा हूँ। जी आपको मैंने टेलीपैथिक मैसेज भेजा और आपने पढ़ा मैम। रियली? यस, मैं जिसको आप वही बंदा पढ़ता है। और उसके दोबारा मैंने ये कहा फोन पड़ेगा और उतनी देर में आपने कह दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ लेता हूँ। हाउ डू आई हील माय शैडोज, हाउ टू एम्ब्रेस योर शैडो सेल्फ, बिकम अ क्यूरियस ऑब्जर्वर, प्रैक्टिस नॉन जजमेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ, work with a professional, meditate, try shadow journaling, try past life regression therapy, label your emotional experiences, think about someone who triggers you. अब देखें कि ये कैसे हम अपने आप को किस तरह से इस शेडो से बच सकते हैं, क्योंकि सबके साथ तो है जो जो ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें वो हमारे साथ तो हैं। पहले तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, फिर अपने बारे में ऑब्जर्व होंगे कि क्या कॉग्निटिव जो थेरेपी है कि कोई भी बात करने से पहले मैं किसी के साथ भी तो मैं इसमें सोचूं कि इसमें रियलिटी क्या थी, मेरा एक्शन ठीक था, जो मैंने ये काम किया ऐसे करना चाहिए था, ये जो अगर मैं जैलिस हो रही हूँ या जो मैंने किसी के लिए बात की है या कोई भी काम अपने ऊपर जब मैंने चेक लगा लेना है तो उस वक्त मुझे समझ आ जाएगी कि इसमें रियलिटी कहाँ थी और मेरा इसमें कितना हाथ था। प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल दूसरों के लिए, अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी। ये नहीं करना कि अपने आप को इस पे कि मैंने ये काम क्यों किया था, नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि ये मैं ना करूं। नॉन जजमेंटल होता है कि उस पे अपने ऊपर एलिगेशन लगा देना कि नहीं, फिर वो नेगेटिवली जब एलिगेशन लगाएंगे तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, ऐसा नहीं करना। नॉन जजमेंटल होके मीन्स कि मैंने अपने आप को करेक्ट करना है, ये मेरे ऊपर है तो ये ऐसा हुआ है तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँ। अब कोई भी प्रोफेशनल होगा, जैसे गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल रही है, इसमें मुख्तलिफ तरह की मैं करवा रही हूँ कि जिसमें से हमारे अंदर के जो फ्लाज हैं वो खुद ब खुद सीडिंग होगी और ख़त्म होंगी। मेडिटेशन है, सिंपल मेडिटेशन भी है, वो आपने खुद अपने ओन पे करनी है, वो मैंने आपको बताया। जब कभी आपको टाइम मिले मेडिटेशन करें। ये जर्नलिंग मैंने पहले भी बताया कि ये नेट पे फ्री में मिल जाते हैं, उसमें वर्कशॉप्स भी हैं कि वर्कशीट्स हैं जिसमें आप लिखते हैं, जिसमें आप अपने कोई भी चीज़ अपने अंदर से तभी निकलेगी जब हम लिखेंगे, तो हमारे सब कॉन्शियस में जो चीज़ें ट्रैप हुई हुई हैं वो सब कॉन्शियस से निकलेंगी, कॉन्शियस लेवल पे आएंगी तो हमारा वो करेक्शन हो जाएगी। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, इसमें यह है कि हमारे बचपन में जिस तरह से इनर चाइल्ड ट्रॉमाज होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड में कोई ना कोई हर्ट हुई होती हैं, जो हमारे रिजेंटमेंट होती हैं, उनको निकालने के लिए जो NLP की ये टेक्निक होती है, ये भी प्रोफेशनल निकालते हैं। खुद को देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा इश्यू है कि जो कि खुद से नहीं निकल रहा तो उसको थेरेपीज़ के साथ निकलवाएं। और इसी तरह अपने इमोशंस को जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई करें कि अपने इमोशंस को देखें, उसको लेबल करें, रिकॉग्नाइज करें और उसके साथ दूसरों के इमोशन को देखें। इस तरह से